शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां पर ऑटो में 17 और पिकअप में 25 सवारियां बैठा कर ले जा रहे दोनों वाहन जब्त हुए हैं। आज न्यायालय में इन्हें पेश किया जाएगा। पिकअप वाहन माल वाहक होता है, इसलिए सवारियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन वाहन चालक के द्वारा अवैध रूप से इसमें 25 से 27 सवारियां तक बिठा कर यात्रा कराई जा रही थी। वाहन को जब्त करने की कार्रवाई यातायात विभाग ने की और उसे अब बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज जो ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की गई है? ये ओवरलोड जो माल वाहन गाड़ियों में, जैसे कि महिंद्रा पिकअप वगैरह में, जो सवारियों को बैठा लेते हैं और भर के फिर उनसे किराया लेके और उनसे पैसे लेके और एक यात्री वाहन के रूप में उनको चलाते हैं, इस पर कार्रवाई की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है।